प्रथा, जब हम सती प्रथा की बात करते हैं, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से हमें एक युगल समाधि प्राप्त होती है जिसमें पति और पत्नी को एक साथ दफनाया गया था, और लोथल से हमें तीन युगल समाधि प्राप्त होती हैं। तीन ऐसी कब्र प्राप्त होती हैं जिनमें पति और पत्नी को एक साथ दफनाया गया था। ये सती प्रथा के साक्ष्य थे। जब हम सती प्रथा के स्रोत की बात करते हैं तो सती प्रथा के स्रोत, स्रोत उसे बोलते हैं जो लिखी हुई जानकारी प्राप्त होती है, और सती प्रथा के स्रोत हमें 510 ईस्वी का एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। एरन अभिलेख सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इस समय गुप्त शासक भानुगुप्त थे, उसी के समय का ये अभिलेख है। इसमें उल्लेख किया गया है भानुगुप्त के सेनानायक थे जिसका नाम गोपराज थे। वो युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं और गोपराज के साथ उसकी पत्नी को भी सती कर दिया जाता है। इसके बाद काफी शासकों ने इस सती प्रथा पर रोक भी लगाई थी। और हम बात करें अकबर और औरंगजेब की, हम बात करें, इन्होंने भी काफ़ी हद तक इस पर थोड़ी, औरंगजेब ने रोक लगाने की कोशिश की थी और रोक भी लगाई थी, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और हम बात करते हैं फिर ब्रिटेन या ब्रिटिश शासन की। जब हम बात करते हैं, जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और ये सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई थी, ये रोक बंगाल में लगाई गई थी। राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किया था। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे जिसका नाम जगमोहन था, जिसकी 1811 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय नहीं चाहते थे कि मेरी भाभी को सती किया जाए, लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से राजा राम मोहन राय की भाभी को जबरदस्ती सती कर दिया गया। और राजा राम मोहन राय ने उसी समय ये सोच लिया था कि मुझे सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर मुझे रोक लगवानी है। और फिर राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका चंद्रिका और संवाद कौमुदी के माध्यम से लोगों को सती प्रथा जैसी कुप्रथा के प्रति जागरूक किया। और बाद में राजा राम मोहन राय ने और उनके प्रयासों ने विलियम बेंटिंग को यह मजबूर कर दिया सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए। और फिर विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के तहत इस सती प्रथा पर रोक लगा दी। धन्यवाद साथियों।